हमारे भाइयों दोस्तों साथियों की सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि मौका हमने नसीब फरमाया कि सभी एक साथ बैठ के एजुकेशन के मुद्दे पर कुछ खूब कर सकें, कुछ हासिल कर, कुछ नई चीज़ें हासिल लेके जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में बदलाव है, चेंजिंग है जो इंसान ज़िंदगी में आनी चाहिए। अभी जिस मौजूद में साइयों ये कैप्टन चला रही है तालीम शिक्षा, शिक्षा की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस हर हर व्यक्ति से हर चीज़ है बहुत ज़्यादा यूजर तैयारी किया होता तो नहीं है। अभी अपने आप सामने रखना तैयार पड़ी और मुख्तलिफ फायदे जो तालीम से रिलेटेड हैं संबंधित हैं यहाँ पर आप समझ पड़ी गई है और गरीब में अल्लाह तरफ से जुम्मन में आकर अल्लाह में कहता है अल्लाह तभी लगी गई अल्लाह तक लगे लाया ना क्या वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं क्या बराबर हो सकते हैं और सिंपल अंदाज में हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस किराए को समझ सकता है जो उनके पास रास्ते आ गया है क्या वो बराबर हो सकते हैं जो पढ़े लिखे यहाँ पढ़ाई का होना कुरान में अल्लाह कहता है आलिफ ऑफिसर से हो अंतर शामिल किस वो रुपया नहीं जाता बल्कि इनके बारे में कुरान जगह के बारे में बात करता है कि हकीकत भी है नॉलेज होता है नॉलेज का विजडम भी आता है कुरान जगह के बारे में बात करता हूँ जो इंसान को इंसान बनाता है इंसान है तो हमारे इंसान होने का मकसद क्या है इंसान है तो अब हमारी ड्यूटी क्या हो कम्प्लीट का एक जो है उसकी ज़िंदगी पूरा उसके सामने लग जाता है इंसान इंसान को कुरान गाइड करता है इनके बारे में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे सुबह होती है शाम होती है वो ज़िंदियाँ गुजरती हैं वो गुजर रही थी जब तक कुरान ने गाइड नहीं किया कि कुरान जब गाइड करता है तो किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी और इंसान को भी बिना तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें होना आवश्यक है ज़रूरी ये चीज़ें कुरान बताता है जब और जब किसी को इंसान जानता है चाहे वो ब्राह्मण हो तो गरीबों के साथ जुल नहीं करेगा जब ब्राह्मण पढ़े लिखे लोग होते हैं जमीन वाले उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं तो जब ब्राह्मण भी अपने जमीन मारेगा तो वो गरीब के साथ शोषण नहीं करेगा वो शूद्र और वैश्य के रूप में लोगों को बांटेगा नहीं तो कुरान उस आयत के अकॉर्डिंग समाज को एकत्रित करेगा उसमें गुजरात में आज 39 में कहा गया या इन्नास इन्ना अल्लाह को इंतकरी बहुम साहब और अल्लाह को शुरू को मुबारक इजहार इन अकरमकुम इल्लाह अकरमकुम अल्लाह बिल कबीर अल्लाह ने तुम्हें एक बात और एक वस्तु को बताया कि यही कि कुरान ही उसे कहा कि तुम मेरा एक होता है मंदिर और मस्जिद मुझे को लड़े ना मैं ये मुद्दे को लड़े 36 में एक औरत अपना पीछा इसलिए देख रही है खाने को पैसा नहीं और इसी देश में लोग इस कदर जो है वो बची कर रहे हैं कि उसको अगर आप इतने बैठे शादी ना पाए इतना जीरो आएगा कैलकुलेटर अपने जवाब दे जाएगा ये मुद्दा ये कुरान जिस दिन के बारे में बात करता है कहता है तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाए तुम्हें एक अच्छे अच्छे इंसान में चलना पर तब तक इंसान अपने से तुम्हें इल्म भी आ गया और इल्म भी इंसान के पास आता है तो लोग जो आपस में लड़ रहे होते हैं छोटी छोटी बात में एक दूसरे को मार रहे होते हैं कई उस से जो लड़ते चले आ रहे होते हैं उनका एक अवसर होता है यही विजन यही मिशन यही उद्देश्य या व्यक्ति होता है उनके अंदर बदलाव चेंजिंग आती है जैसा कि हम आप चीज़ें पढ़ते हैं और ये जानते हैं किस तरीके से अरब के अंदर वो चेंजिंग आई वो बदलाव आया तो कर रहे हैं कंपनी वाले तैयार कर रहे हैं कि औरत की
कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा ग्रहण करके समाज में आते हैं तो क्या करते हैं, रेप केस के मार्ग, वही तो गांधी केस में गांधी घायल होकर पड़ी होती है तो कोई अस्पताल ले जाता है, जब गांधी मर जाती है तो इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते हैं कि जो है मुझे वो सजा दी है, जबकि वो खुद मुझे ये थोड़ा क्वेश्चन है, सवाल निशान है कि जिस शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा में अनुवाद करते हैं, शिक्षा व्यवस्था से जिस राजवी निदान से जिस एजुकेशन सिस्टम से हम हाथ तालीम हासिल करके शिक्षा हासिल करके 25 साल 20 साल पूरी आधी जिंदगी गुजार देते हैं, समाज में आते हैं तो क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट बन के निकलता है या किडनी बेचने वाला डॉक्टर बन के निकलता है, जो है कंस्ट्रक्शन घोटाले करने वाला इंजीनियर बन के निकलता है, और हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है हम और आप क्योंकि हम शिक्षित लोग कुरान के अकॉर्डिंग शिक्षित हो रहे हैं, हमको ये बताने की जरूरत है कि हर डॉक्टर किडनी बेचने वाला नहीं होता है लेकिन हर किडनी बेचने वाला शख्स बोला जाता है कि डॉक्टर होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने वाला हर शख्स चोर उचक्का या पिछ बलात्कारी नहीं होता, जब भी चोर उचक्का बलात्कारी बोला जाता है तो इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने वाला शख्स होता है 25 से 30 साल यूनिवर्सिटी में लेकर गुजारा होता है, हर नेता प्रश्न नहीं होता लेकिन जब भी कोई प्रश्न व्यक्ति बोला जाता है वो नेता होता है, एक क्वेश्चन मार्क रहा है जहाँ और आपका काम क्योंकि हम उसमें वो लाल समी दे फलक दे फिजा दे आगे तो आगे खोले और जाने की हमारी जिम्मेदारी क्या है, लोग उस शिक्षा से सही मायने में शिक्षा है उससे लोगों को अवगत करना, समाज खुद अवगत होना है, खुद उससे विरोध होना है, अपने आप को चेंज करना, सोसाइटी को चेंज करना, यही सोसाइटी है सरकार पंजाबी लैंग्वेज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, यही रीड खानी एजुकेशन है, इज लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, यही सारी का मकसद है, ये यही जीना बनना हमारा और होना चाहिए, अगर नहीं है तो हो जाना चाहिए आज का के बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग समाज में लड़के क्यों करेंगे, ईसाइयों का मिशन भी है और ईसाइयों का मिशन इसलिए होगी इस्लाम का मिशन यही है, ईसाइयों का काम करते इस्लाम का काम है, इस्लामी ने इसलिए ईसाइयों को बनाया है कि हम समाज में जो भी कुरीतियाँ जो भी समाज में बिगाड़ है उसको दूर करेंगे और कौन दूर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था दूर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ही वो चीज़ है जो समाज से लोग समाज से जो बुराइयाँ बुराइयों दूर करती है, आज जे एन यू का एक टीचर अभी कुछ पहले जे एन यू के टीचर का इंटरव्यू छपा, वो कहता है कि मैंने कहा कि कॉलेज अपने अपने क्लासरूम से अपने रूम में जाता हूँ तो डर लगता है कि लड़के मारे ना, एक शिक्षक ये कहता है जो शिक्षक एक जो है स्टूडेंट को 25 साल तालीम दिया और उसके बाद उस शिक्षक को डर लग रहा है कि हम रूम जाने पर मार लगे, वो स्टूडेंट जो समाज में आए समाज को कितना डर लगेगा, वही लड़की छोड़ेगा वही वो किडनी बेचेगा वही स्टूडेंट को मारिए राजा बनेगा और बहुत सारे नाम दुनिया देना हम आपसे नहीं सकते, ये शिक्षा क्या है, शिक्षा इंसान को इंसान नहीं बनाने किस तरफ ले जा रही है जो हम आप जानते हैं छोटी-छोटी बात पे चेंजिंग के अंदर यही एजुकेशन एजुकेशन इंसान को कर देता है, एजुकेशन होती तभी ईमान आता है, ईमान वही एजुकेशन ही है, वो इल्म है और वो तभी तक वो आता है, तो वो नहीं आ सकता कभी डिग्री को नहीं करते तक वो, जब इंसान के अंदर इल्म आता है तो अल्लाह करीब आता है, तो अल्लाह का अपने आप पहचानता खुद ही का रास्ता होता है, तो खुद ही को अपने आप उससे को हम कौन है और अल्लाह पहचानता है अल्लाह हमें बनाया यही इल्म है, और जो कॉलेज इंस्टीट्यूट के बता पाने में असमर्थ है वही उसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से निकलने वाले लोग समाज के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट से सिलेबस में ये चीज़ नहीं है कि इंसान है क्या, वो कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से काम क्या करना जाना कहाँ बता पाने में, और मैक्सिमम कॉलेज इंस्टीट्यूट के बता पाने में सुलभ ईसाई ऑफ इंडिया ने यह बीड़ा उठाया है कि इंशाल्लाह कुरान हदीस के अकॉर्डिंग हम समाज को बताएं उस जिंदगी का मकसद क्या है, वो दुनिया में पैदा क्या हुआ सुमिरुन बिल्लाह ही रसूल ही पूजा ही नबी सभी अल्लाह के अम्मा अल्लाह मुसी सुरे सब क्या है बदस गया बाबा के पाड़ के इंशाल्लाह हम समाज को बताने के लिए उठे जब भी अलग ही उठे समाज को बताने उस जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतरीन बिजनेस क्या है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है, जो अल्लाह कहता है अल्लाह पे ईमान लाओ रसूल पे ईमान लाओ जब तुझे हद कर संघर्ष करो अपनी जान से भी अल्लाह के बाद किसी को अगर ऐसा आप करते हैं ऐसा अच्छा समुदाय हम और आपके अगर ऐसा समाज करते हैं जो चेंजिंग अल्लाह ताला जिस नाम की बात करता है कहता है यकीन लगो दिलों पर और उस दिल को जन्नत के देने की तरफ था तुम्हें जो है बेहतरीन इनाम दिया जाएगा तुम्हें जन्नत से तुम्हें अल्लाह ताला बेहतर इसका जो है वहाँ देगा, इस चीज़ के लिए समाज में जो भी बेचैनी जब हम इन हमारे अंदर शिक्षा सही मानी शिक्षा को समझेंगे इन क्या है उसको जानेंगे समाज से अमीर होते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को वैश्य होगा वो मिल जाएगा इन न के वो फ्रेंड होगा काफ़ी को समाज बताएंगे तुम्हें बेहतर कोई धब्बे वाला है हम सब उस हदीस को जो उस वसल्लम ने हिंदू नेता के बाद कही थी किसी आदमी को कोई वजीरत नहीं हासिल कोई शुक्रिया नहीं हासिल उस हदीस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम और आप बताएंगे कि किसी जो महाराष्ट्र वाले उसके बिहारी को कोई वजीरत नहीं हासिल है किसी बिहारी को किसी महाराष्ट्र वाले को कोई वजीरत नहीं हासिल है किसी व्यक्ति वाले को उसकी जो है खालिस्त
उसका पता है कि जब इस चीज़ का नहीं होगा जस्टिस को हम बता सकेंगे कुरान के अकॉर्डिंग बता जस्टिस क्या क्यों माँ आवाज फैला क्यों नक्सलवाद समस्या क्यों है क्यों भुखमरी है क्यों रोजाना 20 मिनट लोगों के पेट सोए यकीन नहीं है लोगों को कुरान ने जो कहा अल्लाह ने जब माल और मर्द बजा और आप ये लोगों के जो माल को जमा करते हैं जिनकी गिरफ्त है लोग कर रहे थे देश के बड़े बड़े पूंजी है जो पैसे में बैठे हुए हैं इस चीज़ का इन लोगों के लोग इल्म नहीं है कुरान की आयतें बताती है कुरान की सूरह इसराइल की आयत 26 में कहती है इन्नल मुनदीन का जो मान शाह है तू खर्च करने शैतान की भाई है तो खर्चियाँ हो रही हैं इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ रहे हैं किस तरीके से जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आया किस तरीके से हम जो है यहाँ की मनी को यहाँ की जो है इकोनॉमिक व्यवस्था को कंट्रोल कर सके लेकिन नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि जो कुरान ने जो वो उसूल दिया कुरान ने जो बताया किस तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे वो शिक्षा के पास नहीं तो हम और आपको तो बताएंगे नहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी हम और आपको बताएंगे किस तरीके से समाज कंट्रोल होगा ये शिक्षा ये एजुकेशन ये अल्लाह एजुकेट करता है कुरान में क्या ये तो है पूरी कुरान आप पढ़ अच्छा है अच्छा